पितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शांति शांति शांति। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत उपनिषदों का अध्ययन का क्रम चल रहा है। इसमें बड़ा ही सुंदर प्रसंग आ गया। परमात्मा जो परम है, जो सबसे परे है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, देवताओं की विजय के लिए उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत कार्य किया। अर्थात कहने का यह है कि उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से समस्त लोगों की रचना की, सब कुछ किया, और अंत में जब सब चीज़ें स्थापित हो गईं तो कहा देवताओं ने कि ये तो हमारी विजय है और इसकी महिमा का श्रेय भी हमें ही मिलना चाहिए, हमारे ही कारण से सब कुछ हुआ है। जैसे कुछ समय पहले कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाए और फिर क्या किया, थोड़ी सी राजनीतिक पार्टी बनाई, छोटे से एक आध प्रांत के मुखिया बन गए, और जो मूल में व्यक्ति थे, जो सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने पूरी ऊर्जा पुरुषार्थ लगाया, छोड़ दिया, उनको भुला दिया। कहा यह तो हमारी विजय है, तो उसको मना किया हुआ है। ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं होती। तात्कालिक हमें लगता है, तात्कालिक हमें दिख जाएगा, हाँ देखो थोड़ी बोटी प्रगति चल रही है। आध्यात्मिक साधकों के लिए तो मरण है ऐसी प्रगति। माने जो गुरुद्रोह करें, जो अपने आश्रयदाताओं को भी नष्ट करने का कार्य करें, वो आगे नहीं बढ़ते कभी। आप कहेंगे फिर लोक में दिखता कैसे, चूंकि पुरुषार्थ का फल तो मिलता ही है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कोई चोर भी पूरे दिल से चोरी करे तो कर ही लेता है, क्षमा चाहता हूं, पर ऐसा होता है ना, वो पूरा तरीके से करेगा, किस समय घर में कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, कब वो कोई नौकरी पे जा रहा है, इसके घर कब खाली रहते हैं, घर में बड़े किस समय नहीं रहते हैं, किस समय पड़ोसी सोए रहते हैं, वो सारा पूरा विवरण करके घर में आ जा करके किसी न किसी माध्यम से सारा तैयार करके जब करता है, पूरा होमवर्क करके होता ये सफर। बैंकों में भी डकैती पड़ जाती है, दिन में सारा सेटिंग मिलाते हैं, किस समय कौन आया नहीं आया, फिर ऐसे ऐसे करके कि इस समय पुलिस वाले वहाँ लंच पे जाएंगे और ऐसे करेंगे, गार्ड वहाँ चला जाएगा और एक आध रह भी जाएगा तो उसको हम ऐसे कंट्रोल कर लेंगे, पूरा सेटअप बना करके, मैंने पूरा होमवर्क करके, एक नेगेटिव उदाहरण दे रहा हूँ समझ में आने के लिए। तो व्यक्ति जब पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ तो अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। पुरुषार्थ का आध्यात्मिक अर्थ जो होता है ना, वो होता है पुरुष का प्रयोजन, पुरुष यानी आत्मा, और वो परमात्मा कैसा है, वो है परम पुरुष, उसको पुरुष विशेष कहा गया है। योग दर्शन में कहा है ना, पुरुष विशेष कालेन अवच्छेदात्, काल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कालेन अनवच्छेदात, ऐसे कालातीत है ना वो, इसलिए माने परम पुरुष, पुरुष विशेष। इस पुरुष से भी कुछ विशेष है, क्या विशेष है, वो कहा ना उसमें क्लेश कर्म विपाक आशीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसे बोला। वो ईश्वर कैसा है, क्लेशों से, कर्म से, विपाक से, आशय से जो परामृष्ट है, अछूता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो संस्कार बन जाते हैं, फिर उनको भोगते हैं, उसमें नहीं बनते। क्लेश है अविद्यास्मिता राग द्वेषा अभिनिवेश पंच क्लेशा, क्लेशों से भी रहित है वो, क्लेश नहीं है उसको। शुभ अशुभ मिश्रित, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, पुण्य पुण्य, शुभ बोलो अशुभ बोलो, या मिश्रित कर्म भी होते हैं जिनमें थोड़ा शुभ अशुभ दोनों मिले हुए भी होते हैं, और मूलतः और कैटेगराइज करें तो पुण्य और अपुण्य दो प्रकार के कर्म उसी के अंतर्गत शुभ अशुभ मिश्रित आ जाते हैं, उसमें इनका भी कोई लेश नहीं होता।
कर्मों के फल को कहते हैं विपाक। कर्मों का जो फल हमें मिलता है विपाक, वो विपाक से भी छोटा है, एक टेक्निकल टर्म है विपाक, विशेष रूप से पक गया है जो विपाक कहते हैं ना, पाकशाला जहां अच्छे से भोजन पकाया जाता है वो पाकशाला, शाला माने घर, तो वो कैसा विपाक बहुत अच्छे रूप से कर्मों का फल देता है विपाक, जो फल होता है कर्मों का विपाक उससे भी परामृष्ट अछूता है अपरामृष्ट है। परमात्मा के गुण बताए जा रहे हैं क्यों है वो पुरुष विशेष, और कहा आगे आशयीर अपरामृष्ट, आशय से भी, आशय टेक्निकल टर्म है, आशय का तात्पर्य यहां पर है जो भी हम भोग भोगते हैं उसके संस्कार एकत्रित हो जाते हैं हमारे चित्त पर, तो वो संस्कार और वासना एक ही अर्थ में प्रयोग हो रहा है, वासनाओं का अर्थ योग दर्शन में संस्कारों के रूप में लेते हैं, तो जो संस्कार हैं जो वासना है उनका जो घनीभूत रूप है जहां पर वो इकट्ठा होते हैं उसको कहा आशय, घर संस्कारों का जहां पर इकट्ठा होकर रहते हैं वो, उनका समुच्चय संस्कारों का, उसको आशय बोला, आशय उस संस्कारों से भी जो अछूता है उसको कहा गया स पुरुष विशेष, वह है पुरुष विशेष ईश्वर, स ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाशर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसे कहा, ईश्वर के विशेषण दिए ये, आप भी जानते हैं विशेषण विशेष्य तो भेदक होता है, विशेषण कैसा होता है व्याकरण की भाषा में बता रहा हूं, भेदक होता है, जैसे दो घोड़े हैं आपको घोड़ा लाओ तो घोड़े हैं दो और घोड़ा लाओ तो कौन सा लाओगे, और घोड़ों के रंग अलग अलग, एक लाल घोड़ा एक काला घोड़ा, तो आप कहोगे काला घोड़ा लाओ, तो घोड़े में जैसे ही आपने काला ये विशेषण डाल दिया तो उसने भेद करा दिया, लाल से भिन्न हो गया, तो आपको कोई डाउट नहीं रहा, कोई संदेह नहीं रहेगा मन में, संशय नहीं रहेगा, आप काला घोड़ा ले आओगे, या कि लाल घोड़ा लाओ तो काला घोड़ा नहीं लाओगे, तो जब जैसे ही हमने विशेषण का प्रयोग किया तो विशेषण ने क्या कर दिया, विशेषता बता दी और काले घोड़े से लाल घोड़े को पृथक कर दिया, अलग कर दिया, ऐसे विशेषण, परमात्मा के विशेषण डाल रहे हैं, जो पुरुष है जो सामान्य जीवात्मा है उससे अलग कर रहे हैं उसको, पुरुष विशेष बना दिया, और वो विशेष पुरुष कैसा है उसका और विशेषण डाला, क्या विशेषण है, क्लेश कर्म विपाक आशैर अपरामृष्ट, क्लेशों से कर्मों से कर्मों के फल से उनके संस्कारों से सब अछूता है, उसको कुछ भी टच नहीं करता, इसीलिए तो पुरुष विशेष है, और पुरुष को तो करता है इच्छा द्वेष सुख दुख, पुरुष के लिंग है, उसकी पहचान होती है उससे, इसीलिए तो कहा ना भोक्ता कर्मों का फलों का भोक्ता कौन है, ये शरीर थोड़ी है भोक्ता, भोक्ता तो आत्मा होता है ना हमारा, भोग कौन करता है, मृत शरीर थोड़ी भोग करेगा कोई, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसको बोले टॉफी खा लो, मृत शरीर के मुंह में अच्छे से रसमलाई रख दो, मतलब ही नहीं, भोग करेगा वो अंदर ही नहीं जाएगी, भोग तो करने की बात दूसरी है, किसी वजह से ऑपरेशन करके उसके आमाशय में भी डाल दो के अंदर जाओ चले भोग कर लेगा, रस बन जाएगा रक्त बन जाएगा, सब कुछ तो बंद हो जाता है, तो कौन है भोक्ता अंततः, आत्मा भोक्ता है, इनके माध्यम से वो भोग रहा होता है, इसलिए तो कहा है कि हमें प्रत्येक कर्म बहुत सोच विचार के करना चाहिए, अशुभ कर्मों की ओर तो प्रवृत्ति भूल कर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंततः संस्कार कहां पड़ जाएंगे अंत में जाकर के, आत्मा, किसी को कष्ट मिलता है तो उसकी आत्मा को कष्ट होता है, आप कहेंगे कि शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर को तो होता है लेकिन संस्कारों के रूप में वो आत्मा में भी संचित हो जाता है, यही तो कहा है आशय संस्कार, भोगों के जो संस्कार होते हैं, और शुभ कर्मों के भी संस्कार, अच्छे पुण्य कर्म करेंगे तो इसके भी संस्कार बनेंगे, वो भी आत्मा में जाएंगे, अच्छी भी बात है, कोई इसमें घबराने की बात थोड़ी है, ये आत्मा की सामर्थ्य दी है, लेकिन ईश्वर इससे भी अछूता है, ईश्वर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, हाँ वह प्रयत्न तो करता है, यदि ईश्वर संकल्प ना करे प्रयत्न ना करे तो इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बन जाए, ये प्रयत्न तो है परमात्मा का, लेकिन वो प्रयत्न ऐसा है कि उस पर कोई संस्कार नहीं है उसका, वो इतना बड़ा है इतना भीषण है इतना सर्वशक्तिमान है, जैसे हमारे लिए बहुत छोटा सा तिनका उठाने के लिए हमें कोई प्रयत्न करना पड़ेगा,
लेकिन कहा जाए कि हाँ प्रयत्न तो कर ही रहे हो आप, चूंकि ऐसे हाथ किया है, उठाया है, तो ऐसे मान लो बस, उसके लिए ये खेल है। इसी को प्रयत्न मान सकते हो हम अपनी दृष्टि से, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से तो वो कुछ नहीं है। ऐसे ईश्वर से कहने लगे कि आपने क्या किया, सब हमारे करने से हुआ है, यही तो कहा इसमें। क्या कहा कि ब्रह्म है देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य है ब्राह्मणो विजय देवा अमह्यंत, तो उसकी विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया। और फिर क्या करने लगे, तय ऐक्षंता अस्माकम एव अयम विजय, ये तो हमारी विजय है। फिर देवता कहने लगे ये तो हमारी विजय, इतना सब कुछ किया परमात्मा ने और ये तो हमने किया सब। अस्माकम एव अयम महिमा, ये सारी महिमा सारा श्रेय तो हमें मिलना चाहिए, ऐसा सोचने लगे, मन में ऐसा आने लगा भाव। ओम स्वामी जी, आपने बोला जैसे परमात्मा में संस्कार नहीं होता, मतलब कोई कर्म करते हैं जैसे मैं संकल्प लेते हैं तो फिर संस्कार नहीं बनता है, तो जो ये मंत्र है ओम रितंच सत्यंच अभिद्ध तपसो ध्यायत अहो रात्राय जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवाधे संवत्सरो अजायत, तो इसका अर्थ ये होता है कि परमात्मा ने जैसे पूर्व में सृष्टि का निर्माण किया था उसी तरह वर्तमान में भी सृष्टि का निर्माण किए हैं और भविष्य में भी करेंगे, तो ये जो सेम कंडीशन आ रही है तो ये तो संस्कार से ही आ रही है ना। क्या होता है ईश्वर को ना समझने की बात, एक होते हैं रीति नियम, वो एक सिस्टम है, उसमें सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्व मकल्प, जैसे चला आ रहा है कार्यक्रम ऐसे चलता चला जाएगा। सूर्य है, चंद्र है, सारी सृष्टि सारा सब कुछ, बस संकल्प कर लिया एक बार बस वो चलता चला जाएगा। तो वो संकल्प ऐसा नहीं है कि उसको बार बार प्रेरित कर रहा है, उसके संकल्प भी कैसे हैं, 400 करोड़ वर्ष की सृष्टि के उसके संकल्प भी कैसे हैं, 400 करोड़ वर्षों की सृष्टि के संकल्प, संकल्प भी तो देखो ना उनके कैसे हैं। और उस संकल्प को भी कहा गया कि वो ऐसे नहीं कि वो संकल्प से प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं, ये है बात समझने की, कि संकल्प उनको बाध्य नहीं करने का कार्य करने के लिए, कि हाँ जैसे हमारे संस्कार हो जाते हैं, संकल्प क्या है, कोई संस्कार पड़ जाते हैं चित्त में, मान लीजिए किसी का मीठा खाने का संस्कार है, किसी का खट्टा खाने का संस्कार है, खूब खाया उसने और सामने कोई मीठा या खट्टा आ जाए तो उसका मन करेगा खाने के लिए, ऐसा परमात्मा के साथ नहीं है कि वो सृष्टि बनानी है उसके संस्कार है कि अब तो बनाऊंगा ही मैं सृष्टि, ऐसा नहीं है। वो जीवों के ऊपर कल्याण की भावना, एक दया की भावना है और इतना लंबा समय दे दिया है कि सुधर जाओ, असंख्य मौके दे रहा है व्यक्ति को सुधरने के लिए कि तुम सब अपना कल्याण करो। कितने मौके हैं, 400 करोड़ वर्ष कितने होते हैं, ब्रह्मचारियों तो 150 से 200 वर्ष स्वस्थ रह करके जिया जा सकता है। मैं विशेषण डालता हूँ स्वस्थ रह के जीना, वो जीना भी क्या जीना जिसमें हम जिंदा हैं, दूसरे हमें बोध कराते हो, दूसरे सेवा कर करके कह रहे हैं कि हाँ जिंदे हो जाओ पैरों पे खड़े हो जाओ, चल लो फिर लो काम कर लो। जीने की बात कह रहा हूँ जीवन को, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के पुत्र होकर के, उस पथ के राही होकर के जिस पथ पर महीनों महीने तक हमारे ऋषि बिना कुछ खाए पिए, अब भक्षी वायु भक्षी, यह बात आती है, केवल जल का भक्षण करके जीवित रहने वाले, महाभाष्य में आते हैं उदाहरण अपभक्षी वायु भक्षी, और वायु का सेवन करके जीवित रहने वाले साधनों के इतने उच्च धरातल पर पहुंच गए, वो रोगी होके पहुंच गए, उन्हें क्या संभव ही नहीं है, परम स्वस्थ अवस्था में पहुंचे हैं, शरीर के समस्त विकारों को नष्ट करके छिन्न भिन्न करके अपनी साधना के पथ को आलोकित करते हैं अपने तप से, तब उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और सुख तो बहुत है, हम बात करें उस परम सुख की, सांसारिक भौतिक सुख भी पहला क्या बताया है, निरोगी काया स्वास्थ्य, और थोड़ा सा सजग रहेंगे ना तो आप हो जाएंगे, थोड़ा सा सजग रहेंगे तो इसके ऊपर नियंत्रण करना है, जीवा के ऊपर बस कह देते हैं स्थूल रूप से जीवा के ऊपर नियंत्रण करना, बाकी नियंत्रण तो ज्ञान के आधार से ही करते हैं, मन प्रवृत्ति कराता है, जिस क्षण आपकी प्रवृत्ति हो रही है उस क्षण सावधान हो जाओ बस इतना, ये जो कहता हूं ना बार बार बात, एक बार धारा में चले गए बीच में वो तो ले जाएगी बहा करके, कितना भी पुरुषार्थ करो
बहुत भीषण पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके बीच से निकल के आने के लिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किनारे पे जाने से पहले पुरुषार्थ कर लो, या फिर धारा में फंसकर जब डूब रहे हो, मर रहे हो, जब पता चले अब तो प्राण गए, तब चिल्ला रहे हैं, खूब हाथ पैर मार रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं बचने के लिए, तब भी तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं ना। और एक किनारे वाला पुरुषार्थ है, केवल कदम को पीछे हटाना है, एक वो पुरुषार्थ है और उसमें जीवन है, आनंद है। अब व्यक्ति चुनाव करता है दूसरे वाले कार्यक्रम का, धारा में पड़ा है, भटक रहा है, तड़प रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, सारी ताकत लगाने के बाद भी धारा में बहता ही जा रहा है। और ये स्थिति हमने स्वयं पैदा की है, ये भी एक विशेष बात है, ईश्वर ने नहीं बनाकर आपको भेज दिया धारा के बीच में, हम स्वयं जानबूझकर जाते हैं आगे, अरे देखते हैं। तो ये हमें तय करना है, हमें अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना है। तो वो जो द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, शुरुआत का जो बस वो जो पॉइंट है ना, उसको पकड़ लो, वहां थोड़ा सा एक बार ठिठक जाओ, थोड़ा सा वहां एक बार आंखें बंद करके ज्ञान पूर्वक, जो हमारे ऋषि हमारी संस्कृति कहती है, जो वेद कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरुजनों के मुख से हमने सुना है, उस ज्ञान को थोड़ा सा धीरे से सहजता से उसको अपने अंदर उतर जाने दो, उस क्षण को पकड़ लो। और जिसने उस क्षण को पकड़ लिया वो महान बन जाते हैं, वो अपने जीवन को सफल करके ले जाते हैं आगे तक। बात कितनी छोटी सी है लेकिन करके देखो, आनंद आता है। कहते ना कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, भरा पड़ा है ठसा ठसा आनंद। बात तो लेने की है, लेना नहीं चाहते। एक व्यक्ति ने कहा कि जी योग तो करना चाहते हैं पर क्या करें, होता नहीं है। मतलब मनुष्य ऐसी निराशावादी बातें करें, मनुष्य जन्म लेकर के वर्तमान में इतनी महा अनुकूल परिस्थितियां मिलते हुए भी हम ऐसी बातें करें, शर्म आनी चाहिए। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धाचार्य श्री जी ने इतना महान तप पुरुषार्थ किया है कि आपके घर में, आपके बेडरूम में सामने आ रहे, एक स्विच ओपन नहीं कर सकते, समय पर एक आस्था चैनल नहीं लगा सकते, देख लो उसको। फिर वही बात याद आती है, एक व्यक्ति ने बड़ा तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उसके तप से, उन्होंने कहा बेटा वर मांगो, उसने सारे वर मांगे, पूरा घर परिवार दौलत घर गाड़ी जितने भी ऐश्वर्य के साधन थे सब मांग लिए, अमरता का वरदान भी मांग लिया, एक तो तीसरा वरदान मांगा कि जब मैं बुलाऊं तब आप आ जाओ, तीन वरदान के लिए कहा था। तो ब्रह्मा जी फिर कुछ ना कुछ मांगने लगा, तो उसने सोचा ब्रह्मा जी को कब तक बुलाऊं, एक दिन बोला कि एक वरदान मांगा, दूसरा वरदान कहा कि एक ऐसा बटन लगा दो यहाँ कि मैं मन में जो भी संकल्प करूं वो बटन दबाते ही चीजें हाजिर हो जाए। तथास्तु कह के ब्रह्मा जी जाने लगे, तो रोक के बोला कि बटन कौन दबाया, ऐसे निकम्मों का क्या करें, सारी सुविधाएं होने के बाद भी उसको बटन दबाने के लिए भी ब्रह्मा जी चाहिए, क्योंकि वो आलसी, तो वहां बटन दबाने भी कौन जाए, तो बेडरूम के पास में बटन दबाया, फिर भी हाथ तो उठाना पड़ेगा ना बटन दबाने के लिए। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या किया जाए, फिर तो जीवन को जी थोड़ी रहे, काट रहे, काटना थोड़ी है, जीवन को आनंद के साथ जीना है। अगर जीवन में आनंद नहीं आ रहा है ना, तो विधि में कहीं चूक हो रही है, मैं बार बार कहता हूं। अगर जीवन में इतना सभी आनंद कम हो गया ना, मनुष्य का जीवन आनंद से परिपूर्ण होना चाहिए, जब आनंद स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं, तो आनंद की कमी कैसे हो सकती है मनुष्य के जीवन में, सर्वोत्तम कृति है मनुष्य और सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य, तो विरोधी सी बात हो गई। जो चीज सबसे सुंदर होती है, सबसे उत्तम होती है, उसको तो देखकर भी आनंद होता है, और हम स्वयं आनंद स्वरूप है, परमात्मा ने हमें बनाया, परमात्मा की सृष्टि में रह रहे हैं, उसके पथ पर चल रहे हैं। ऐसे तो कुछ कहते हैं कि हम सत और चित्त हैं, हमारी सत्ता है और हम चेतन स्वरूप हैं,
आनंद स्वरूप तो परमात्मा है, तो आनंद स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा के पथ पर चल रहे हैं तो आनंद तो आना चाहिए। लोहा भी चुंबक के समीप जाता है तो चुंबकत्व के गुण को ग्रहण कर लेता है, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है? सोचो, विचार करो, खोजो और कारणों को नष्ट कर दो। अंततः हमारे सुख और दुख का जो कारण है वह हम स्वयं होते हैं। अंततः शब्द का प्रयोग करो, अल्टीमेट, सारे कारणों को बता करके, सारी बातों को करके, सारी समस्याओं का समाधान करने के पश्चात भी अंततः, माने उसके बाद कुछ कहने करने को शेष न रह जाए, तब कह रहा हूं अंततः, अल्टीमेटली वी आर द एब्सोल्यूट रीजंस, हम हैं केवल कारण, हम हैं असली कारण अपने सुख दुख के। मनुष्य चाहे कि अगर मुझे दुखी नहीं होना, तो संसार की कोई ताकत है जो उसको दुखी कर दे? मनुष्य है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले कोई यंत्र है? कि एक व्यक्ति आया, हंसने का बटन दबा दिया, हंसो। दूसरा आया, उसने रोने का बटन दबा दिया, रो। तीसरे आया कि टेंशन का बटन दबा दिया, टेंशन। बटन दबाना मतलब कोई व्यक्ति आया, उल्टी सीधी बातें करी, टेंशन में आ गए। और अगला व्यक्ति आया, उसने कोई दुख भरी बात बताई, बस। कोई चौथा है, उसने फ्रस्ट्रेशन की बात कही, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बात की, अब साथ में चले गए। अरे आदमी हो, क्या हो, नर हो, न निराश करो मन को। नर हो, मनुष्य, मननशील हो, चिंतनशील हो, विवेकी हो, समाधान आपके पास होने चाहिए। और नहीं भी समाधान है ना, छोटे बच्चे के पास कितने समाधान होते हैं बताओ? खुश रहता है, आनंद में रहता है, एक बार रोता है जब भूख लगती है, बस, फिर कोई मतलब नहीं, भोजन तो मिल ही जाता है सब जगह। छोटा बच्चा आनंद में रहता है, जैसे जैसे बच्चे का ज्ञान बढ़ता है तो आनंद बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? और यहाँ जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है, आनंद उतना उतना कम होता जाता है। माने व्यक्ति का लक्ष्य हो जाता है कि हमें बड़ा तो हो जाए, लेकिन हम बड़े होकर के व्यक्ति से पूछो क्या बनना चाहते हो, कहेंगे बच्चा। बड़े होकर हम उस सरलता को, उस सहजता को, उस आनंद को पाना चाहते हैं, तो बड़े होकर तो और भी ज्यादा सरलता, सहजता, आनंद को पा सकते हो, कि पथ ही ऐसा है, ये रोका किसने? जब इतने आवरण ओढ़ ओढ़ के बैठ गए हैं, बंद कर लिए हैं अपने हृदय के कपाट सारे, स्वीकार्यता का भाव को नष्ट करते जा रहे हैं, कैसे बात बनेगी? बात बनाने के लिए ही तो इस पथ पे चल रहे हैं ना। या सन्यासी बनने का मतलब छोड़ना थोड़ी होता है, योग जोड़ना। सन्यासी क्या होता है? वो कुछ चीजों को तो छोड़ता है, व्यक्तिगत चीजें जो साधना में बाधक हैं, कुछ देखो मोहजनित कुछ बंधन होते हैं, उनको छोड़ता है ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक। लेकिन वो जुड़ जाता है ना, समष्टि से जुड़ जाता है, प्रेम का विस्तार कर लेता है। एक व्यक्ति के एक घर है तो वो रोज सुबह को जाएगा ड्यूटी पे, शाम को घर आ जाएगा। किसी के दो घर हैं तो कुछ दिन जाएगा, कुछ दिन आ जाएगा। तीन घर हैं तो एक साल में सवा सौ दिन कर लेगा। चार घर हैं तो चार बार में, पांच घर हैं तो पांच बार में, दस घर हैं तो कभी कभी कुछ दो दो महीने या एक एक महीने में चला जाएगा, बारह घर हैं तो एक महीने में एक बार में चक्कर लग जाएगा, और जिस किसी के करोड़ों घर हो जाए तो सौ साल में कितने दिन होते होंगे? 36,500। अब जिसके करोड़ों घर हो गए हैं तो वो तो एक घर का नंबर हो सकता है, चार पांच जन्म के बाद आए तो आए। व्यक्ति कहते हैं भूल गए। अरे सन्यासी भूलता है कभी? कोई सन्यासी भुलक्कड़ होते हैं? ये गलत फहमी, वो तो बहुत याद रखते हैं। जो ईश्वर के पथ पे चलने वाले व्यक्ति हैं, उनकी बुद्धि तो सूक्ष्म होती है, वो तो ऐसे पथ का अनुसरण कर रहे हैं कि जो बड़ा महान पथ है, पुरुषार्थ से सेवनीय पथ है। वो उन चीजों को भुलाने का ऐसा कार्य करते हैं, उन चीजों को याद नहीं रखना चाहते जिन चीजों से उनकी साधना में बाधा पड़े, ये होता है, बस इतना है। मोहजनित जो चीजें होती हैं उनको थोड़ा सा साइड करते हैं, करना भी चाहिए, आवश्यक भी है, नहीं तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, नाव में बैठे रात भर चप्पू चलाते रहे, सुबह आँख खुली तो वहीं थे। क्या भूल गए? नाव को खूंटे से खोलना भूल गए। अगर मोहजनित बंधनों को लेके पुरुषार्थ पूरा किया, रात भर चप्पू चलाया, नाव में भी बैठ गए,
सारा कार्य कर रहे हैं लेकिन यात्रा नहीं आगे बढ़ेगी। यात्रा बढ़ाने के लिए कुछ तो बंधनों को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। बाकी इसका मतलब ये थोड़ी कि हम समष्टि से नहीं जुड़ते। कितने बंधन, कितने व्यक्ति, कितने मिलते, माने अपने जो संबंधों को जनरलाइज करना, प्रेम संबंध का विस्तार कर देना समष्टि के प्रति, अपने दायित्व को बढ़ा लेना, इतना बढ़ा लेना जैसे परमपिता परमात्मा सभी के लिए कार्य करता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो उसको आत्मसात कर लेना सबके लिए। सबके लिए करोगे तो किसी एक दो को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा प्रारंभिक स्थिति में। जब सबके लिए कर रहे हैं तो अंततः ये भी तो ज्ञान रखना पड़ेगा ना कि वो भी तो उसमें शामिल हो गए ना, स्वरूप बदल गया, फिजिकल फॉर्म नहीं हो गई, बाकी दूसरे अर्थों में तो हो ही जाएंगे सेवा। और वो ईश्वर तो है, न्यायकारी भी है, दयालु भी है, सबका कर्ता धर्ता नियंता भी है, तो उस पर इतना अविश्वास क्यों कि जब हम उसके पथ पर चल रहे हैं तो हमारे संबंधी 2, 4, 5, 10 जो लोग हैं वो क्यों दुखी होंगे। शुरू में तो होते हैं 5-6 साल थोड़ा लगता है स्थिति मेंटेन होने में, क्योंकि वो थोड़ी यहाँ रह रहे हैं, वो तो वहीं रह रहे हैं समाज के बीच में। तो ईश्वर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, उस परम सत्ता पर विश्वास करो, हृदय से अच्छी अच्छी संवेदनाएं भेजो। जब भी कभी इस वाणी का सदुपयोग हो बात करने में, तो स्वयं इतने कॉन्फिडेंस में रहो कि सामने वाला जो बात कर रहा हो ना, उसके हृदय में अगर थोड़ी बहुत अधीर भी हो रहा हो ना, तो बात करके उसको संबल मिले। एक समाज में छोटी सी नौकरी लग जाती है तो भी सारे घर परिवार के लोग इतने खुश होते हैं कि हाँ कोई पुलिस में हो जाए, अरे वो तो राजा, हमारा बच्चा पुलिस में, हमारा बच्चा इसमें हो गया, डरते थोड़ी किसी से। फिर भगवान के पथ पे सीधे डायरेक्ट पहुंच गया और घर में रोना गाना कि जी हाँ छोड़ के चला गया। अरे कहाँ चला गया, पकड़ने चला गया वो भगवान के पथ पे, भगवान को पकड़ने गया वो, जिसके बारे में आप लोग सोच नहीं सकते, वो उसको हासिल करने के लिए निकला है। उसका महान पद हमेशा गौरव का भाव रहना चाहिए मन में। आप सब भी करो साधन ऐसी। शांति 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 ही। सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमऋषिभ्यो नमः।